हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कोचिंग प्लस। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय साथियों, आज के बदलते सामाजिक परिवेश और नई नई आधुनिक तकनीकियों और हमारी डेली नीड जिसमें मोबाइल कंप्यूटर आदि शामिल है के अनुसार अंग्रेजी का महत्व तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, परंतु अंग्रेजी की बढ़ती जरूरत हमें अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर करती है। अंग्रेजी सिंबल ऑफ स्टेटस बन गई है। अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति किसी भी देश प्रदेश समुदाय या विदेश में आसानी से लोगों के साथ वार्तालाप कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा लगातार प्रयास है कि अपने चैनल के माध्यम से अंग्रेजी संबंधी अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। ट्रेन संबंधी सभी जानकारी 35 वीडियोज के माध्यम से चैनल पर अपलोड की जा सकती है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं इस वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो से मैं एक्टिव पैसिव शुरू कर रहा हूं। जिनको जानने से पहले ट्रेन संबंधी जानकारी होना बहुत जरूरी है, कृपया आप पहले ट्रेन संबंधी वीडियोज को देखें और उन्हें सीखने का प्रयास करें। इस वीडियो में पैसिव वॉइस पार्ट 1, जिसके अंतर्गत मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स एग्जाम्पल्स है दोनों भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में सम्मिलित किए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य। इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। वॉइस आर प्लेइंग द वॉल, लड़के गेम खेलते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं पैसिव वॉइस यानी कर्मवाचक। पैसिव वॉइस में कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जैसे देखें लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। द वॉल इज प्लेड बाय वॉइस, लड़कों द्वारा एक गेम खेली जाती है। जनरल रूल्स देखें एक्टिव टू पैसिव के लिए, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जनरल रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हम आप जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय लगाकर लिखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को जो अब सब्जेक्ट बन गया, यानी जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो सब्जेक्ट बन की जगह आ जाता है, तो उसके अनुसार अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगले टेंस से मतलब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा अगला टेंस होगा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर ए में से एक आएगी, जो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं। रूल नंबर 3 है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब आइए देखते हैं, सब्जेक्ट यदि हमारा प्रोनाउन है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, जैसे आई है, तो आई को जब हम ले जाएंगे तो आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो आई का मी हो जाता है, उससे पहले बाई लगा देंगे, यानी आई का हो जाएगा बाई मी। इसी प्रकार बी का बाई अस, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, दे का बाई देम और इट का बाई इट हो जाता है। अब देखें कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर में केवल दो टेंसों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पूरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस प्रकार केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस संबंधी रूल्स विद एग्जांपल्स शामिल किया है, इसमें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे आने वाली वीडियोज में टेंसेस के रूल्स को शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो सिंपल है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आता है और प्लूरल है तो आर आता है, और यदि आई है तो
हेल्पिंग वर्ब एम आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखें एग्जांपल के माध्यम से, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर है, तो ए लेटर को हम शुरू में लेके आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे और इसी जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है, नहीं ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट की जगह रखा है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज आया है और जो मेन वर्ब है राइट्स फर्स्ट फॉर्म है राइट की लिखना की, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, रिटेन हो जाएगा। अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, नहीं हो जाएगा बाय मोहन, तो ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। ही फ्लाइज ए काइट, वो एक पतंग उड़ाता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ए काइट शुरू में ले आए और ये काइट सिंगुलर है तो इज आ गया और फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो गई फ्लॉन बाय हिम। अब ही का देखें जब ऑब्जेक्टिव केस में से कन्वर्ट किया तो ही का हिम हो गया, बाय लगा दिया गया है तो ए काइट इज फ्लॉन बाय हिम। आई प्ले द बॉल, मैं एक गेंद खेलता हूँ, द वॉल इज प्लेड बाय मी, क्या है द वॉल ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दिया इसका, इसके अनुसार इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड और आई जो उस पर यहाँ प्रोनाउन है इसको जो ऑब्जेक्टिव केस मिला है तो मी हो गया, तो बाय मी द बॉल इज प्लेड बाय मी, गेंद मेरे द्वारा खेली जाती है। अब देखिए इसकी यदि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उन्हें कैसे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, उतनी सीधा सिंपल सा रूल है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम इसमें लगती है, इनके जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी रूल सेम है। देखें एग्जाम्पल, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। अब इस सेंटेंस में ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में ले आए सब्जेक्ट की जगह, तो ए लेटर इसकी चूंकि सिंगुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, तो नेगेटिव बनाने के लिए चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट आया है तो जो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, ए लेटर इज नॉट, फिर बाकी वही है वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन हो गई और जो सब्जेक्ट बाय लगा के ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया गया है बाय मोहन, तो हो गया ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट देखें, दे डू नॉट किल एनिमल्स, वे जानवरों को नहीं मारते हैं, तो इसमें वही है ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए सब्जेक्ट की जगह, तो एनिमल्स अब चूंकि जब प्लूरल हो गया इससे यहाँ पे आर लगाया गया है, अब नेगेटिव है तो नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई और जो हमारा सब्जेक्ट था इसे बाय लगा के यहाँ रख दिया गया है, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है देम है तो एनिमल्स आर नॉट किल्ड बाय देम। अब देखिए इंट्रोगेटिव, यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव है तो उसको कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। डज राम राइट से लेटर, क्या राम एक पत्र लिखता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर को तो यहाँ लाए लेकिन ए लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब ही जाएगी, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसे स्टार्ट में रखते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उससे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, उसके जस्ट बाद जो इसकी वर्ब थी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रिटन बाई राम, इसका सब्जेक्ट बाई लगाकर आ गया। अब देखें यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन बैड भी हो, जैसे इसमें वेयर डू दे प्ले द बॉल, वो कब गेंद खेलते हैं, तो जो क्वेश्चन बैड दिया जाता है तो क्वेश्चन बैड को शुरू में ही रहने दिया जाता है और क्वेश्चन बैड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब कैसे, इसका जो ऑब्जेक्ट है द बॉल सिंगुलर है तो इसके हिसाब जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो आएगी, तो द वॉल आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी इसके साथ, तो वो इससे पहले आ गई, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट की जगह ले आए हैं, तो वेयर इज द वॉल, और उसके जस्ट बाद फिर वैसी सिंपल रूल है कि प्ले जो वर्ब है मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई और बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट था दे उसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ बदल के रख दिया गया, तो वेयर इज द वॉल प्लेड बाय देम। अब देखें व्हाई डू यू नॉट ईट ए मैंगो, यानी ये इंट्रोगेटिव है साथ में नॉट भी आया यानी नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव, देखें इसमें जब चूंकि यहाँ पे टू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द आया है तो इसको शुरू में ही रहने देंगे, इसके बाद देखेंगे जो इसका ऑब्जेक्ट है अ मैंगो और अ मैंगो को यहाँ लेके आएंगे और अ मैंगो के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब इज बनेगी, इज को हम इस क्वेश्चन वर्ड और हमारा जो नया सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आया है उसके बीच में लगाया जाता है, उसके जस्ट बाद नॉट आएगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट उठा के लाए उसके जस्ट बाद यहाँ पे नॉट लगेगा और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन
और जो हमारा सब्जेक्ट था वाई वो सॉरी यू वो हो गया बाई यू, तो हो गया वाई इज ए मैंगो नॉट ईटन बाई यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।